हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बकरा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। मालेनाडु, मानसून प्रदेश, हमेशा प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देने वाला प्रदेश। यहाँ के बांध, सेतु, शरावती नदी, वाराही नदी, काली, सावाहकलु, चक्र, अधनाशिनी नदियों का संगम है मालेनाडु। यही नदियां मालेनाडु के मासूम वासियों की जीवन नाड़ी है। लेकिन कुछ सालों बाद मालेनाडु के सौंदर्य को हानि पहुंचाने के लिए उन मासूम लोगों को वन विभाग के अधिकारियों ने वहां से निकलवा दिया। वन विभाग के साधक और बाधक के विविध दृश्य रूप का संग्रह ही है ये फिल्म होम बड़ा। युद्ध, क्रांति, लड़ाई, न्याय की लड़ाई, जीवन के साथ लड़ाई, यहाँ अहिंसा भी चलती है, हिंसा भी चलती है। देखा जाए तो जीवन में हर पल किसी ना किसी चीज के लिए कोई ना कोई लड़ाई छिड़ी रहती है। अगर लड़ाई हिंसा में बदल जाए तो वो अपराध है। अगर वही अहिंसा की लड़ाई की खून का तिलक लगाए तो वो धार्मिक और आध्यात्मिक का संकेत हो जाता है। लेकिन अहिंसा के रास्ते पर ही एक दूसरा देश मामूली जीवन बिता रहा है। उस देश के राष्ट्र ध्वज का रंग हरा है। वही हरा रंग हमारे देश में समृद्धि का संकेत है। यहाँ रंगों से रंग मिलता है, क्योंकि ये होमबना की कहानी है। होंगे बाइल कोई देश नहीं है। होमबना का सपना साकार होगा या नहीं, ये जानने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आपको क्या हुआ है? एक मिनट मैडम। हेलो, जरा सुनिए। सर, यहाँ डेविड फर्नांडिस का घर कहाँ पर है? अच्छा, लॉयर डेविड। हाँ। सर क्या यहाँ से स्ट्रेट जाइएगा? हाँ? पिशाच चौड़ी, आकाश भूमि, प्रेत पिशाच चौड़ी, आकाश भूमि, प्रेत पिशाच चौड़ी, पिशाच चौड़ी, आकाश भूमि, प्रेत 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 पिशाच चौड़ी, आकाश बेटा बेटा। ओके, थैंक यू। ओके मैडम, 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 जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, गाड़ी में बैठिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या हो गया तुम्हें? गांव कुछ ठीक नहीं है, मेरी बात सुनिए, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है मैडम, कोई भी ठीक नहीं है, वापस चलते हैं मैडम। पहले जरा शांत हो जाओ, मुझे एड्रेस मिल गया है, यहाँ से स्ट्रेट सेकंड राइट वही घर। मैंने अभी कुछ अजीब देखा है मैडम, वो भूत और पिशाच। तुम पहले गाड़ी स्टार्ट करो प्लीज।
हेलो सर, क्या कोई घर पर है? कौन कौन हो तुम? मेरा नाम प्रबंधा है। uh-huh. मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मुझे बस आपसे कुछ बात करनी है। अभी आता हूँ। एक्चुअली मैं बैंगलोर से आई हूँ। आपकी किताब ग्रीन हाउस रेवोल्यूशन मैंने पढ़ी है, उसमें एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, होंगे भाई कोई देश नहीं हुमना का सपना साकार नहीं होगा, इसका क्या राज है? देखिए वो कहानी खत्म हो चुकी है, उसे फिर से खोदने का कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए। मुझे इसके बारे में जानना है, मैं बहुत दूर से आई हूँ सर, प्लीज मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। मैं एक मिनट में आता हूँ। देखिए मैडम, होंगे बैल की रोज रोज की लड़ाई के बारे में मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है, एक बार पढ़ के वापस दे दीजिए। चला बाबू। नहीं बाबू, यहाँ भूत होते हैं। चला, कोई भूत होता ही है। चलिए बाबू, भूत होते हैं। आकाश, भूमि, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, यक्ष। इस होटी घर में भूत है क्या? इस हैबिट पहाड़ी की कहानी क्या है सर? अगर भय के कुएं में गिर गई तो बाहर निकलना नामुमकिन होगा। नो, आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। सो वन सेकंड, रिकॉर्ड कर लूं? ठीक है। सर ये होमबना कौन है, उसकी कहानी क्या है, मुझे बताइए ना सर। स्वार्थ, लड़ाई, आचरण, समाज, कानून, प्यार, प्रेम, भक्ति, दोस्ती, ये सब अच्छे भाव हैं। और इन सब का जो मिला जुला सकारात्मक रूप है वही है होम बनना। सर मैं समझी नहीं, आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हरा भरा पहाड़ी प्रदेश होंगेबेल है ना, यहाँ के स्थानीय लोगों को, मूल निवासियों को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा और ताकत का प्रयोग किया जाता रहा है। होंगेबेल के सुंदर से पहाड़ी प्रदेश में होमबन्ना और उसकी बहन, राथैया और उसकी बहन, चीना, नारायणी और नरसैया, ये सब मिलजुल कर चैन की जिंदगी जीते थे। सर रियली आई एम कंफ्यूज्ड। विक्रांत गुप्ता। स्टूडेंट्स, होंगे बाइल ये मलेनाडु का एक समृद्ध प्रदेश है। इस होंगे बाइल से जुड़े हुए कुछ सूक्ष्म प्रदेशों के नाम हैं जेडी गद्दे और थुम्बे हकलू, और इन गांवों में 30 से ज्यादा घर आपको मिलेंगे ही नहीं, और आबादी तो 60 से भी कम है। थोड़े दिन पहले हमारे पुलिस ऑफिसर नागराज की हत्या हुई, उनके हत्यारे का नाम है एकनाथ। इस हूटी घर के लिए सिर्फ मैं अकेला ही एकनाथ हूँ। उसका पूरा नाम है हूटीगर एकनाथ। हूटीगर गांव में बोरे गोड़ा नाम का एक व्यक्ति था, और उसे वहां के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और वहां एक और नायक था उसी गांव में, काला गौड़ा नाम का, और उसी गांव के पास एक विस्मयजनक पहाड़ है, और उस पहाड़ का नाम है हेबेटा। उस पहाड़ी इलाके के लिए उन दोनों लोगों में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। तो बोरे गोड़ा जी ने क्या किया, एक मंदिर के नाम पर थोड़ी सी जगह दान कर दी, और इस बात से गुस्सा होकर काले गौड़ा ने बोरे गौड़ा जी का घर जला दिया। जो भी उस घर में थे सब जलकर राख हो गए, और आज भी सारे गांव वाले यही मानते हैं कि बोरे गौड़ा जी अपनी मौत के बाद भी भूत बनकर हेबेटा पहाड़ की रक्षा करते हैं। बोरे गौड़ा जी का एक बेटा आज भी जिंदा है, और वही है एकनाथ। और एकनाथ अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए जंगल में अकेला ही इंतजार करता हुआ अपनी जिंदगी बिता रहा है। जब काले गौड़ा ने बोरे गौड़ा जी का घर जलाया तब पुलिस भी उसी के सपोर्ट में थी, और इसी बात का शक हो गया था हमारे पुलिस ऑफिसर नागराज जी को, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। इस एकनाथ का नव क्रांति इस नाम के संगठन के साथ एक लिंक है। इस समाज ने हमारे लोगों के भविष्य को दफन कर दिया है।
इस समाज में विकास के दो तरीके हैं, एक समाज चिंतक लोग और दूसरे हैं समाज सुधारने वाले। बड़े ज्ञानियों के जैसे हमेशा टीवी और अखबार में भाषण देते हुए जिंदगी बिताने वाले समाज चिंतक, और फिर नकली भगवा वेश धारण किए समाज को सुधारने के लिए निकले ढोंगी साधु और सन्यासी। जब हमारी मुसीबतों का कोई हल नहीं मिलता, तब परिवर्तन करने का और समाज को सुधारने का फैसला हमने किया। हम लोग समाज परिवर्तक हैं। और अब ये लोग साथ में मिलकर झुंड बनाकर किसी पर हमला नहीं करते हैं। ये लोग आसपास के एक बहुत बड़े इलाके में फैल चुके हैं और उन इलाकों के नौजवानों को अपने संगठन में मिलाना ही इन लोगों का मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों, हमें अपनी इस लड़ाई को पूरे जोश से आगे बढ़ाना है। इस समाज को हमारी जरूरत है। हम अपने लिए थोड़ी लड़ाई करते हैं, लेकिन हमें लड़ने के लिए मजबूर कर रही है ये सरकार, ये समाज। जेडी गद्दे नरेंद्र यही है इस संगठन का मुख्य नायक। और तो और, उसका साथ देने वाले लोगों में है माविन करे रमेश और हालसिन अड्डे वासु। उसके अलावा तुम्बे हकलू दिवाकर। इन सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, सरकार मुक्त प्रदेश और साथ ही वन विभाग मुक्त मूल वासी। दोस्तों, नव क्रांति के लिए हाथ मिलाइए। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। नव क्रांति, नव क्रांति। इन लोगों की लड़ाई सरकार से चल रही है, ये बात तो पूरी तरह सच है, लेकिन उनकी लड़ाई कानून की चौखट से पूरी तरह बाहर है। और इसी लड़ाई को जो लोग कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, वो लोग हैं मूर्धन्ना और उनके साथ हैं लॉयर डेविड फर्नांडिस। तो अब यहाँ इलेक्शन टाइम है, नवक्रांति का खतरा थोड़ा ज्यादा ही होगा। इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी समय नवक्रांति जैसे खतरनाक संगठन को जड़ समेत उखाड़ देना। नागराज जी की हत्या के बाद होंगे बैल में जाने वाले अफसर होंगे मिस्टर विक्रांत गुप्ता। सो नवक्रांति इज योर टारगेट। जेडी गद्दी नरेंद्र, तुम्बे हकलू दिवाकर, हलसी नड्डे वासु, बताओ किधर है वो? छोड़ूंगा नहीं किसी को। खाकी पहने हैं, हाथ में गन है, पकड़ो। अगर हथियार छोड़कर लड़ोगे तो सब बच जाएंगे। हथियार छोड़ो और सरेंडर कर दो। हम हथियार छोड़ देंगे, आप कानून बदल देंगे क्या? आखिरी बार बोल रहा हूँ, नाव क्रांति, यूज प्रॉपर टूल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। सर, ये क्या लिखा है? आखिर कौन है ये जेसी? वही अखबार का एडिटर है सर। वो चाहे एडिटर हो या पब्लिशर हो, मैं चाहता हूँ उस पर नजर रखो। श्योर सर। लाल रंग कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। जब मुझे जरूरत होगी तुम्हें बुलाऊंगा, और तुम दोनों प्रशांत को मैसेज भेज दो, और कल हमें होंगे बैल जाना है। यस सर। गौड़ा जी, यही है नए इंस्पेक्टर। नमस्ते। नमस्ते गौड़ा जी, बैठिए। काले गौड़ा जी, आपने मेरे बारे में तो यकीनन सुना ही होगा। मैं बहुत सीधी बात करता हूँ, हेबिटा पहाड़ी में जो हादसे हो रहे हैं वो सब आपकी वजह से हो रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर, हेबिटा पहाड़ी का मामला अभी सुलझा नहीं है, तो मुझे उसमें बोलने का क्या हक है? भूतों की टहलने वाली जगह से मुझे क्या लेना देना? देखिए, वहां पर कोई हादसा नहीं होना चाहिए। दरअसल मुझे भेजा गया है इस नवक्रांति संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, और इसमें मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। मदद चाहिए ना, करूंगा ना। इंस्पेक्टर, चाय? चाय फिर कभी पीऊंगा, फिलहाल चलता हूं। ठीक है। ओ, नवक्रांति, बाद में उन लोगों ने क्या किया और उनके डिमांड्स क्या थे सर?
आइए मूर्धन्ना, बैठिए। अगर रमेश को हमारी कस्टडी में ले लेते हैं तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। रमेश चला गया, अब तो हथियार छोड़ दो। अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो कोई फूल के पौधे को उखाड़ नहीं फेंकता। प्रशांत, अगर हमारे रास्ते में हमें कांटा चुभ गया तो हम क्या करेंगे? हम उस कांटे को ऐसे निकालेंगे और फेंक देंगे। लेकिन अगर हमारे पूरे रास्ते में ही कांटे बिछे हों तो क्या करना है? उसे साफ करना है। लेकिन फिर रमेश के इसका क्या होगा? कौन रमेश? उसकी कहानी तो समझ लो खत्म ही है। इस सब की इन्फॉर्मेशन वो शेट्टी दे रहा है, उसे पहले मार देना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतने जज्बाती मत बनो। ये कलयुग है मूर्धन्ना, सीखने तक गुलाम रहो, उसके बाद मालिक बन जाओ। मतलब जिंदगी भर दूसरों को मारोगे क्या? अगर हमें जिंदा रहना है तो जंग लड़नी ही पड़ेगी। आप फिक्र मत कीजिए मूर्धन्ना, मैं आकर आपसे मिलूंगा। चलता हूँ, तुम तो मेरी बात सुनोगे। मतलब इसमें आपका हाथ भी है? बाय द वे, होमबना का सपना क्या था सर? बताता हूँ, वही बताने वाला हूँ। मासूमियत का प्रतीक थी वो। ले पकड़ इसे। ए रुक जा। अरे संभल कर चलना, मेरे सर पे मत फेंक देना। अरे जल्दी कर रहे, मेरी फट रही है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? गौड़ा जी को चाहिए था। ए रुक रे, सीधा पकड़ रे। मुझे डरा था कि अबे। अरे सीधे खड़े रहना। अबे वहां पर कुछ टहल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। ए नीचे आ जा, नीचे आ जा। आराम से संभल के उतर। हाँ जा संभल कर धीरे। अरे जल्दी उतर ना रे, उतरने में इतना देर लगता है क्या? लाला हाथ दे, हाथ दे। ला मैं पकड़ता हूँ, दे दे। अबे भूत आके तेरे को जिंदा खा गया क्या? अरे वो भूत बहुत खामोश भूत है, पहले चुपके से डराएगा फिर तेरे को खाएगा क्या? हाँ ठीक है, चिल्ला मत ना, चल। हाँ तो चल चल। हाँ चल चल, ये जगह है तो डरावनी। पागल कहीं का भाई, मेरी तो भूत के नाम से ही फट जाती है। अबे क्या तुम लोगों ने ये भूत भूत लगा रखा है? चलो मेरे साथ। हाँ चल। तेरा सामान तू पकड़ और तू इसे पकड़। तेरे को नहीं चलना क्या? मैं उस घोड़ा का थोपड़ा नहीं देखना चाहता हूँ। तुम लोग जाओ, मैं पत्ते लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है जा। चल चल। होम्बा होम्बा, तिम्मा से कहकर वो नशे वाला नसवार लाने को कहना, उसे बोलना कि मैंने मंगवाया है। रोज मैं ही लाके देता हूँ, चल पुटिया से। अरे होम्बा, सुबह हो गई है यार, पटेल साहब ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना होगा। अब तू भी नहीं आएगा क्या? हाँ ठीक है जा, मैं देख लूंगा। ठीक है चलता हूँ। चल। हे होम्बा। हाँ साहब। बोरी भर गई क्या? हाँ भर गई साहब। ठीक है जाओ। होम्बा। हाँ। पौधे बढ़ गए हैं क्या? बढ़ तो गए हैं साहब। नए बगीचे के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे वो क्या है ना साहब। ठीक है अब जाओ, चावल और नारियल लेते जाना। हाँ हाँ ठीक है साहब। अम्मा जी, अम्मा जी। आई। ठीक हो ना होम्बा? तुंगम्मा कैसी है? अरे उसे घर आने को बोलना, बहुत दिन हुए बच्ची को देखे। सुना है बड़ी हो गई है। बहुत खुशी हुई तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर। मैं अभी आई। हाँ ये लो। ये क्या है? जानवर का गोश्त। ओ। कल शिकार पर गए थे ना? ठीक है अम्मा। हाँ। बेलिया हुरी
तुंगमा? हाँ? तुंगमा? तुंगमा? इला, बढ़िया पकाई हाँ? दारा? ये का है? जानवर का मांस है, बहुत दिन हुए खाए नहीं है। शिकार पर गए रहे का? नहीं, अरे हम कहाँ जाते शिकार पे, वो तो गौड़ा जी गए रहे ना शिकार पे, वही दिए रहे ये मांस। अम्मा जी हमका तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वहाँ जाओ तो उनसे मिला ना। हाँ, कल बागी आएगी तो हम बगीचे में जाते वक्त होकर आएंगे। भैया खाद आ गई का? नहीं भैया कल आएगी, कल आके लेके जाओ। ठीक है भैया। ओ क्यों रे होम्बा, कैसे हो? हम ठीक है भैया। कल तेरे पास फुर्सत है क्या, खाद मिलाना था? कल तो थोड़ा काम है साहब। कोई बात नहीं, बगीचा कैसा है? नया है तो अच्छा ही होगा। लगता है नए बगीचे के साथ बड़े आदमी बन गए हो। भैया रामे गौड़ा का बेटा आ रहा, उनके घर काम पे बुलाया तुम्हें। साला यहाँ भी आया रहा, सारे हराम जादन की हमरे बगीचे पे नजर है, कहा जानी लोगन का इतना जलन क्यों होता है। अरे का हुआ तुमको, का इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे मिला रहा हमको, टटोल टटोल के बस बगीचे के बारे में पूछत रहा, हमारे बगीचे के बारे में इनको काहे फिक्र लगी है। फॉरेस्ट ऑफिसर का मतलब सिर्फ जंगल संभालना नहीं होता, जंगल को बचाना हमारा फर्ज है। जितनी जल्दी हो सके होंगे बाल जाओ और वो इलाका खाली करवाओ। ओके सर। तो वन विभाग वाले इन्हें भगाना चाहते थे, वैसे इसकी सजा क्या होती है सर? देखो कानून में सजा तो हर गुनाह और जुर्म के लिए है, लेकिन वो सजा लोगों के जीवन को सुधारने के लिए होनी चाहिए। ये कानून बहुत भारी चीज है ना। चलो मैं तुम्हें एक लव स्टोरी सुनाता हूँ। अरे जानवर के जैसे कहाँ दबे पाव घुसी आ रही हो? क्या जानवर बोला मेरे को? शिकार करने वाला जानवर ना। ए, निकलो यहाँ से। तुंगम्मा आने तक देर हो जाएगी, क्यों डर रहे हो क्या? ए, डर वर कुछ नहीं, तो बकवास मत कर, चल। ठीक है मैं चलती हूँ। मुझे इस तरह का पत्ता कहीं और मिलेगा क्या? मैं ऐसा पत्ता बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली ये पत्ता पित्त के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं जो भी कह रहा हूँ तुम सुन रही हो ना? दरअसल मेरा नाम धनु है, मैं जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ हूँ। अभी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि अब तक मुझे आप जैसी लड़की नहीं मिली ना। हेलो। इस पत्ते को ढूंढते हुए मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। अरे ये आवाज कहाँ से आई, तुमने भी सुनी ना? अरे बाप रे, बहुत जोर की लग गई। सच कहूं हमारी शादी जरूर होगी। एक्चुअली मैं ये पत्ता ढूंढते हुए आया था और आपको देखते ही गिर गया। ये क्या बकवास कर रहे हो भैया, जान गए ना तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। हाँ हाँ तो करने दो ना, तुम्हारे भैया की वजह से ही हमारा प्यार रंग लाएगा। ए, तुम ऐसे ही बकते रहना, तुम्हारी लाश भेड़िए और लोमड़ियां खा जाएंगी। अरे बाप रे, इश्क में कुर्बान होने से आदमी अमर हो जाता है। अब प्यार किया हो तब तो जानोगी प्यार में कुर्बान होना किसे कहते हैं। हे, क्या इसकी बातें सुन रही है खड़े खड़े, चल। हे, तुंगम्मा, आई लव यू। साहब मुझे बुलाया। हाँ। तन्मय, ये पूरा इलाका है ना जिसमें तुम लोग रहते हो, ये वन विभाग का है। एक महीने के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकला यहाँ से। पर साहब ये जगह छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे? ए, भाड़ में जाओ, याद रखना सिर्फ एक महीने का टाइम है, समझा क्या? साहब बात सुनिए साहब, ये हिस्सा भी अपना है ना? जी साहब, ये भी हमारे इलाके में आता है।
सर देखता कौन है? हाँ सर। सुन रहे इधर आ। तेरा नाम क्या है? होमबन्ना है साहब। देख होमबन्ना, तुझे इस इलाके में रहता है वो वन विभाग में आती है, तुझे सिर्फ एक महीने की मोहलत दे रहे हैं, ये जगह खाली करके चला जा, समझ गया ना? अरे साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं हमसे? हमारे बाप दादा की जगह है ये, हमारे दादा परदादा सब यहीं पे रहते आए हैं। देखिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ए, मेरी बात सुन, ये जगह तेरे बाप की नहीं है, ले पढ़ ले ये नोटिस, एक महीने में बोरिया बिस्तर बांध और निकाल, वरना तेरे साथ तेरी लाश को भी बांध दूंगा, याद रख एक महीना। चलो ए चिना, चिना। अरे क्या हुआ? नशा करना है यार। रुक ना जरा, परसों यहाँ से चार जानवर बचकर निकल गए थे, उनको पहले मारता हूँ फिर तुझे नशा कराता हूँ, समझ गया ना? ए, 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 रुक जा। ए, वो बड़े साहब आए हैं, आकर धमकाएगा हमें। अरे चुप हो जा। ए, 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 कौन है रे तुम और इधर क्या कर रहे? अरे क्या पूछ रहे हो साहब, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? है? शिकार कर रहा हूँ मैं। शिकार कर रहा है? तेरा नाम क्या है रे? पूरे होंगे बाइल के जानवरों से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे मैं कौन हूँ। शिकारी चिन्ना, कैसा था निशाना? बढ़िया। शिकारी है तू? नहीं, शिकार करेगा तू? नहीं, शिकार करेगा तू? इधर एक मुंगी भी नहीं मारी है, सब सच बोल रहा हूँ मैं। बंदूक लेके घूमता है? प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगली बार इधर दिखाई दिया ना तो साले ये बंदूक अंदर डाल दूंगा। क्यों रही आज सुबह सुबह कैसे आ गई? मैं मिठाई लाई हूँ। हाँ तो देना हमको। ए, तेरे को नहीं, जा भैया के लिए मैं नहीं छोड़ूंगी। नदी के किनारे किससे बातें करती थी? हे, ये क्या कह रही है तू? मेरे को सब मालूम है। सुन भैया को मत बताना ये बात। ठीक है फिर तू जा। और मिठाई? तेरे को नहीं, तू जा, तेरे लिए नहीं बनाई है मैंने। तुम गम्मा बगीचे में गई है और मैं चला गौड़ा जी के घर। मिठाइयाँ लाई हूँ, खा के जा। नहीं चाहिए, बाद में खाऊंगा। एक बजाऊंगी ना थोबड़ा फिर जाएगा, समझा? खा रे। अच्छी। ए, नशा छोड़ और काम पर ध्यान दे। ए, चल रहा अपना काम कर। उम्बा, उम्बा। हाँ बोल, क्या हो रहे? थोड़ी देर पहले एक फॉरेस्ट वाला मिला था, मुझसे कह रहा था कि इलाका खाली कर दो। उस साले मेरे घर पे भी आधम के थे। ठीक है आने दो उस सालों को, मेरे जमीन की मिट्टी को हाथ भी लगा के दिखाए। उम्बा, हम सबके लिए यही अच्छा होगा, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ तू जा। ए हुम्बा, तू इस बारे में कुछ करना। चाहे जो भी हो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग तैयार है ना? उधर है वो लोग। जी सर। होम्बा। कौन है बे? ए होम्बा, लोग अपना काम करो। ए होम्बा, ए सुनाई नहीं दे रहा क्या? साहब आए हैं, चल इधर आ। ए राजा। यार ये तेरी इतनी हिम्मत, जगह खाली क्यों नहीं की? साला बोल ना, बोल। हमारे दादा परदादा इसी जमीन पे रहते आए हैं, हमको छोड़ेंगे? वो लोग भी यहीं जिए और यहीं पे मरे थे। इस बात का कोई सबूत है क्या तेरे पास? तेरा बाप मर गया, कहानी उधर ही खत्म हो गई। हाँ मानता हूँ मेरा बाप मर गया और जमीन का कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन आपके कानून का क्या, कैसे इस पे भरोसा कर लूं? गाढ़ा बन रहा है, साले बाहर फेंक दूंगा। हमको बाहर फेंकोगे? यहाँ से हिला नहीं पाओगे, जुबान देते अपनी। हमारी मिट्टी को छुआ भी ना तो मजा चखाएंगे आपको। मालूम है किससे बात कर रहा है तू? टाइम दिया था ना तुझे? ए,
अपने आप खाली कर दे, नहीं तो जबरदस्ती करूंगा। करके तो दिखाओ। हाँ करके तो दिखाओ। हाँ दिखा करके। हाँ दिखाओ करके। प्रसन्ना, हम लोग अगले सोमवार को वापस आएंगे, तब तलाक कुछ नहीं करेंगे, जबरदस्ती भी नहीं। इतना का सोच रही हो तुम गम्मा? हमरा घर, हमरी जमीन बचेगी का? तुम काहे फिकर करत हो तुम गम्मा? हम हूं ना। आ सोई जा। हे भूत राजा, हमारी रक्षा करना। अब इतना लेट क्यों? अब अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो कोई वन विभाग वाले आए थे, हमारी जमीन उनकी बता रहे हैं। थोड़े ही दिन में हमें जमीन खाली करने को बोले हैं। हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हमारी मदद करो ना तुम। वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने बाद में क्या किया? और वो लव स्टोरी का क्या हुआ? और उन्हें यहाँ से भगा दिया क्या? ये वन विभाग और कानून के बारे में आपने तो कुछ बताया ही नहीं। बताता हूँ, सब कुछ एक एक करके बताता हूँ। नहीं मैडम, हमने अच्छा काम ही किया, अन्याय के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन से अन्याय करने वालों को एक अच्छा सबक मिला। चुप हो जाइए, आपको पता है वो लोग कौन है? अब एक महीने तक अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। मैडम ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनिए जरा। फोन रखो, तुम दोनों कहीं जाके डूब मरो। मैडम प्लीज। हेलो हेलो मैडम। क्यों, क्या हुआ यार? आजादी तो मिली है लेकिन सिर्फ अन्याय करने वालों को मिली है। अब यार तू ही देख, एक एक चैनल एक एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में काम करेगी तो इस समाज का क्या होगा? इन सबको एक चौंकाने वाली न्यूज देनी होगी। सही बोला। हाँ बोलिए पहाड़ी कवि साहब, कैसे हैं आप? तूफान में फंसे हुए सूखे पत्ते की तरह हूँ। अरे तू तो कुदरत का प्रशंसक है, फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक न्यूज है। न्यूज? कैसी न्यूज? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम यहाँ पर आओ। ठीक है, सब्जेक्ट तो बता दे दोस्त। वन विभाग से जुड़ी बात है। What? तुम पहले आओ तो यहाँ। ठीक है भाई, कल ही निकलूंगा। ओके चलेगा ना? ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है। क्या सब्जेक्ट डूड, और वो भी इस सिचुएशन में? भाई ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर सच चैलेंजेस ब्रो, एटलीस्ट लोकेशन तो बता दे। हो गया बैल। अरे सुजीत कार। सर सर लिफ्ट सर। सर स्टॉप। कहिए कौन है आप लोग? सर होंगेबेल जाना है, हम मुसाफिर हैं। ठीक है आइए बैठिए। आजा आजा चल चल बैठ सुजीत। कहाँ से आए हैं आप लोग? होंगेबेल में किससे मिलना है? सर मेरे फ्रेंड धनु के घर जाना है। मैं चंदू हूँ, ये है मेरा फ्रेंड सुजीत। वाओ, नेचर इज ऑलवेज बेस्ट। सच कहूं तो यही जन्नत है। जन्नत माय फुट, यहां के लोगों की जिंदगी जहन्नुम है मालूम है? ऐसी भी कोई जिंदगी होती है? तमिलनाडु को तो जन्नत कहते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहां बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ पता है? समस्याएं? कैसी समस्याएं? मैं कुछ समझा नहीं सर। न्याय होते हैं, जुर्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, लोग लड़ते हैं राज और धर्म के लिए। इस लड़ाई से इस तमिलनाडु को लाल रंग से रंग देना चाहते हैं। कुछ नहीं जानते आप लोग, सुंदर दिखना और सुंदर दिखने में बहुत फर्क है। आजकल वन विभाग में खाली करवाने का काम जोरों पर चल रहा है। मासूमों पर अत्याचार, गरीबों पर जुल्म, ये हो रहा है आपकी जन्नत में। सर ये वन विभाग के द्वारा खाली करवाने का काम, ये क्या चक्कर है सर? हमारे इस मलेनाडु प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चिकमंगलूर जिला और कोप्पा तालुक, उधर टेटकुला नाम का एक गाँव, वो वन विभाग का प्रदेश है। उस जगह पर पहली बार वन विभाग का तनाव शुरू हुआ था। बट सर यहाँ किसी भी जमीन पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इस बात को कौन मानता है? वही है वन विभाग छंटाई की साजिश।
छोटा जंगल, राज्य जंगल, संरक्षित जंगल, ऐसे किसी भी जंगल में किसी भी तरह का कोई भी तनाव हुआ होगा तो उन्हें खाली करवाना ही पड़ेगा, और ये ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसे मानना पड़ेगा। लेकिन गोमाला, सोपीना बेट्टा, कंडारोटी माने जैसी जगहों पर वहाँ के मूल निवासी जो खेती करते हैं उन्हें उसे जारी करने का मौका दिया गया। तो इसमें क्या समस्या है सर? समस्या क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक वन क्षेत्र की छटाई की गई है, कई जगह पर फॉगिंग, कई जगह पर क्लियरेंस ऑपरेशन। कितनी बर्बादी हो रही है हमारी इस जन्नत में। पूछते हो समस्या क्या है? दो आंखें हैं, उसमें एक में मक्खन डाल दिया और एक में लाल मिर्च। हमारी जन्नत, हमारा होंगे बेल बहुत संकट में है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। हाय। इस जन्नत की पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। बाय सर। बाय सर। क्या हाल है मीडिया बाबू? सॉरी सॉरी, जड़ी बूटी विशेषज्ञ, कैसे हैं आप? बस ऐसे ही हूँ। इससे मिल, ये है मेरा दोस्त सुजीत। और मैं सुजीत हूँ, अपकमिंग बेस्ट वीडियोग्राफर। वीडियोग्राफर? हाँ, वीडियोग्राफर ही है। ठीक है, चलते हैं। वैसे सर, वो नवक्रांति और हेबेटा पहाड़ी की कहानी क्या है? बाद में जो बीती वो जिंदगी नहीं, एक तरह की जंग थी। जिंदगी के लिए जंग, जिंदा रहने के लिए जंग। ये बात तभी लोगों को पता चली। नमस्ते पत्रकार जी, मैं जहां भी जाता हूं अकेला ही जाता हूं। राजनीति की बात ही कर लीजिए, एक पार्टी बनकर, एक नेता बनकर मैं ही फैसला करता हूं, यही ठीक रहता है। लेकिन आपकी लड़ाई वैसी नहीं है, एक संगठन होना चाहिए, लोगों का झुंड होना चाहिए। लेकिन वो सब तो आपके पास है नहीं। आपके पास जो भी थे वो सब एक एक करके गायब हो रहे हैं, होंगे भी। पहाड़ को देखकर अगर चूहा हंस रहा है तो इसका मतलब उसका बिल आसपास ही है। आपके अधिकार के बिल को मैं जल्द ही बंद कर दूंगा। मेरे खिलाफ अपने अखबार में एक शब्द भी लिखने की हिम्मत मत करना। एक शब्द नहीं, पूरा का पूरा अखबार भर दूंगा। ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। चलता हूँ, मेरे खिलाफ लिखेगा। चलो। क्या चीज है? जरा देख तो सही, ये आदमी क्या कर रहा है? यस सर। हाथ साफ हो जाएगा। ए, कौन है तू? ये क्या कर रहा है? नवक्रांति क्या है जिससे पूछकर चिपका रही है? कौन कौन है, कितने लोग हैं तेरे साथ, बाकी साथी कहां गए तेरे? नहीं, नहीं, नहीं। सर, नोटिस चिपका रहा था ये। हे, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? मेरा तो हाथ चिपक रहा था, वही पहुंच रहा था मैं। ए, तेरा नाम क्या है? मीनिया। मीनिया, ये बैग तेरा है? नहीं दूंगा। हे, बीज, काजू का बीज, कटहल का बीज, आम का बीज, सारे गिरा दिए। मेरे बीज। उठ साले, उठ। चिड़ी कते हल सी नते, मालूम है कहाँ है? सर सर सर, पागल है ये, इसे जाने देते हैं। मुझे तो लगता है ये जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है सर, इससे हमें ही फायदा होगा। लेकर 40 है, गाड़ी में डाल। चल गाड़ी में बैठ और ये नोटिस फेंक दे। ए, ए,
चलो चलो भागो 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 जल्दी। हे धनु, सुजीत, क्या हुआ तुम दोनों को? वो कोई जंगली आदमी था, अगर वो पकड़े जाते तो मार डालता हमें। ऐसा क्यों? तुम दोनों ने ऐसा किया क्या? ए, तू बात करना, वो छुरी धार कर रहा है। बात कर रहा है, चुप। अच्छा तो मैं बात करता हूँ। रुक, सुनना अंकल। अबे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तुंगम्मा। हाँ भैया। क्यों लाओ? थैंक यू। पीना। अरे पानी पी। ए, अब तू पूछ। भैया मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ, और मैं आपकी बहन तुंगम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। कहा बोला बदमाश, मेरे घर में आके तेरी इतनी हिम्मत सारे काट के रखूंगा। रुक, हट जा। बहन की लव स्टोरी की बात सुनकर उसने तो हमारी बैंड बजा दी। चल अभी भूल जा, फिर किसी दिन ट्राई मारेंगे। चलो अभी उठो जल्दी। सर, मैंने सुना है यहाँ पर हर एक गांव में उनके 5 या 6 खबरी तो होते ही हैं। यहाँ सब जगह उनके फॉलोवर्स हैं और वो सब उनके वफादार हैं। प्रशांत जी। सर, कोई भी आए, कितने भी आए, सबको मार देना चाहिए। ये जेडी गद्दे और हलसी नद्दे को पकड़ने के लिए स्क्वाड भेज दो। ठीक है सर। शेट्टी, हमसे दुश्मनी क्यों की तूने? तेरी वजह से रमेश मारा गया, अब तू भी मर जा कुत्ते। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ तो जरा, नशा। ये तो शेट्टी साहब है, निकल ले। थोड़ी देर शांत हो जा। सुपारी का बीज, बीज। सर, आखिरी बार कब देखा था? कल शाम को 7 बजे के करीब। अरे शेट्टी साहब मर गए क्या? मुझे काजू के बीज के बहुत अच्छे दाम देते थे वो, अब मुझे बीज बेचने के लिए शहर जाना पड़ेगा ना। चुप कर बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है जयचंद्र, मैं एक अखबार का संपादक हूँ। आपके हिसाब से ये हत्या किसने की होगी? अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 2 दिन में पता चल जाएगा। सर, माविन कह रहे रमेश गायब है, आपको इस बारे में कोई जानकारी है क्या? कौन रमेश? कंप्लेन कीजिए, पता लगाएंगे। प्रशांत सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। शेट्टी साहब मर गए। बेटा पहाड़ी, आकाश, भूमि, भूत, प्रेत, पेशाब। डर मत यार। चौड़ी, आकाश, भूमि। ए, ये कौन है भाई? डरने की जरूरत नहीं है, उसका नाम किरेगा है, काले गौड़ा जी के घर में रहता है। किसी हादसे की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। ए चिना, ए चिना, क्या हो थोड़ा गया? नशा करना है यार। आ तो चल ना मेरे साथ, कुछ शिकार करते। शिकार?
कौन हो तुम लोग हैं? वो तो बता दूंगा, पर इसमें से गोली चलेगी क्या? देखना चाहता है गोली चलती है कि नहीं है? हमें भी शिकार करना सिखाओ ना। हमारा चीना मस्त निशाना लगाता है। पर इसके पैसे लगेंगे। ठीक है चलो वो भी दे दूंगा। ठीक है फिर रात को मिलते हैं। है बेटा पहाड़ी चलेंगे? है बेटा पहाड़ी पे क्यों? डर गए? डर वर सब मेरे घर के चूल्हे में जला कर आया हूँ मैं। हाँ शिकार पे जाना है ना, तो रात को मिलते हैं फिर चलेंगे। है बेटा चल रहे? नहीं नहीं। तो क्या शिकार पे हमें लेके जाएगा? पागल है क्या? चीना सच्ची बोलो मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रहा है? एक ही गोली में मैं कोई भी जानवर चित कर सकता हूँ, पता है ना? कुछ भी हो शिकार करना जरूरी है, चाहे कोई भी जानवर हो, क्यों है ना? शिकार कराता हूँ मैं। ए, वो देख कुछ तो है। मुझे निशाना लगाने दे। अरे भाई निशाना लगाओ। अरे देख जल्दी देख। लगाओ ना। अब देख कैसे निशाना लगाते हैं। अरे इसका ट्रिगर कहाँ चला गया? अरे ये क्या कर रहा है? इधर दो। सॉरी मिस्टेक मिस्टेक। क्या कर रहा है? तुम क्या किसी जानवर को मारोगे? चूहा भी नहीं। मैं क्या पहाड़ी पर कदम रखा तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। निकला यहाँ से। ए सुन इधर आ। हाय सर। कौन है तू? सर मैं धनु हूँ, मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये बेंगलोर से आए हैं, आसपास के जंगल में इन्हें घुमा रहा था बस। इधर का है तो आई कार्ड वगैरह होगा ना तेरे पास? हाँ, है साबित करे कि तू इधर का है। सुजीत नाम। हाँ, सर। देख ये कोई आम सिटी नहीं है कि तुम लोग ऐसे बिंदास यहाँ घूम रहे हो। ये जो जगह है ये होंगे बैल है। चलो निकलो। आजा। ये कौन सा पत्ता है? इतना खट्टा है ये? देखा इलेक्शन आते ही जयराम भी आ गया। उसका तो थोबड़ा है, ना देखें तो अच्छा होगा। नमस्ते गुरुजी। क्या है? आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई? मेरे पास तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है, जाओ। आप लोगों को भड़काकर मेरे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और ये कुछ भी लिख देते हैं? हाँ, तुम्हारे पापों की कहानी लिखता है। गुरुजी चुनाव आ रहे हैं, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी हर समस्या सुलझा दूंगा। आप ये बात लिख के देंगे क्या? अरे इसकी बातें मत सुनो, अपनी आखिरी सांस तक मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, समझे? ये लिखेगा, जो हो सकता है कर लो, जाओ यहाँ से। बोलना, बोल किधर गए बता। तू अच्छे से जानता है ना कौन सा रास्ता किधर जाता है, तो बता। मुझे क्या पता है साहब, मैंने हर तरफ के रास्ते का कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है। फंस गए, सबको मार दूंगा, एक एक को जान से मार दूंगा। ए, रुक जाओ, शांत। ए, चल चुपचाप। कल सुबह मैं हाला सिनाडे जा रहा हूँ, वहाँ वासु से मिलकर हमारे आगे की कार्यनीति के बारे में जान लूंगा। जो हाल नागराज का हुआ वही उस विक्रांत का भी होगा। इस जमीन पर हमारा पूरा हक है और हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। नवक क्रांति, नवक क्रांति। हे साहब आ गए। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या हुआ रे? अरे वो वन विभाग वालों ने नाक में दम कर रखा है, उनसे हमें अब आप ही बचा सकते हो साहब। हमें कुछ सूझ नहीं रहा है साहब। फॉरेस्ट की जगह पर क्यों कब्जा कर रखा है? अरे अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब, वो जमीन हमेशा से हमारी है। आप ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद करेंगे या फिर नहीं? आराम साधों, मेरे ही सामने आवाज उठाकर बात करते हो? मेरे नौकर बन के रहना है तो रहो, नहीं तो मर जाओ। साहब हमारी मदद कीजिए साहब।
देखो उस गौड़ा से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, वो इंसान ही नहीं है। वो अपने फायदे के लिए तुम लोगों को मरवा भी सकता है। तो फिर कौन है हमारा आसरा? वो सिर्फ भूतराज को ही पता। वो फॉरेस्ट अफसर सच में तुम लोगों को बाहर निकाल देंगे और गौड़ा तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, इसीलिए तुम सबको खुद की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। मैं चलती हूँ। टारगेट करो, भाग जाओ, भाग जाओ। छह। समाज के किस उद्धार के लिए तुम्हें यह बंदूक चाहिए? हाँ, समाज के बुरे लोगों को उखाड़ने के लिए। नव क्रांति। ओके, अब ऊपर उखाड़। पेड़ों में ऐसे ही बीमारी फैलती रही ना तो सुपारी का एक भी झाड़ नहीं बचेगा। अरे अच्छे से पकड़ना। हम निकल गया। ऐसे रखोगे कहाँ? किसी पेड़ के नीचे रख देते। हाँ इधर रख दो। रखते 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 आराम से। हो गया। आराम से। इधर। यही घर है क्या? ए होम्बा, ये लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं? जरा देख तो। इनकी तो होम्बा, इधर क्या कर रहे हो? होम्बा ना जरा शांत हो जाइए, हम आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। हमें यहाँ धनु ही लाया है। दरअसल हम टीवी चैनल से आए हैं। आपकी बहन। मेरी बहन का नाम भी मत लेना, नहीं तो काट डालूंगा। होम्बन्ना, हम इतनी दूर से सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए हैं, जरा सोचिए तो। देखिए, प्लीज हम पर विश्वास कीजिए होम्बन्ना। अच्छा बोल, क्या मदद करेगा? वो एक काम करते हैं, अंदर जाके बात करते हैं। चलो। होम्बन्ना, आपके जीवन में चल रहे संघर्ष की हम फिल्म बनाएंगे। हम उसे बैंगलोर भेजेंगे और उससे आपको मदद मिलेगी। आप लोग यहाँ बैठ जाइए। बैठिए ना। बैठो। हाँ सुजीत, कैमरा ऑन कर। हाँ ओके। और ये मुझे दे दो। तू इसमें वीडियो शूट कर। हाँ हाँ, रेडी है ना? हरा भरा प्रदेश है ये मलेनाडु। इनकी भूख मिटाने वाली यही भूमि है, लेकिन अचानक यहाँ वन विभाग वाले इस प्रदेश को खाली करवाने पर तुले हुए हैं। इस वजह से यहाँ के लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। इसीलिए हम उन्हीं की जुबानी उनका दर्द सुनाने के लिए यहाँ आए हैं। यहीं रहने वाले ऐसे एक शख्स हैं, होम्बन्ना। आइए उनसे बात करते हैं। बताइए होम्बन्ना जी, आप और आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? देखिए, साल वाल कुछ नहीं, हम तो सदियों से यहीं रह रहे हैं। तो आपका घर और जमीन के कोई कागजात वगैरह हैं क्या? ये सब क्या होता है हम नहीं जानते, बस अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं, बाकी ऊपर वाला जानता है। लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपको खाली करवा रहे हैं, तो क्या आप लोग यहाँ से चले जाएंगे? हम क्यों यहाँ से जाएंगे? ये हमारा घर है, हमारी जमीन है। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग इसी जमीन पे रहेंगे। यही है होम्बन्ना जी का निवेदन। बार बार यही दोहरा रहे हैं कि वो ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। कई पीढ़ियों से ये लोग अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं और ये अपना फैसला सुना चुके हैं, और होम्बन्ना जी का फैसला अटल है। भैया जी, मेरा घर, जमीन और बगीचे की रक्षा कीजिएगा।
होते कहाँ गया? हाँ तो आने देना, हम भी देखते हैं क्या करते हैं ये। चाहे कुछ भी करे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बाहर निकालो क्या? हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारी जमीन है। हाँ, ये हमारी जमीन है। हाँ, मेरी जमीन है। सबूत है तेरे पास? ये जमीन सिर्फ वन विभाग की है और इसका सबूत है मेरे पास। अरे काय का सबूत साहब? इस दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो सबूत लेके नहीं आता। स्वार्थी हो तुम लोग और तुम्हारी ये सरकार। बंद कर तेरी बकवास, अब तुझे दिखाता हूँ इस सबूत से मैं क्या कर सकता हूँ। ये लो, खत्म हो गया तुम्हारा सबूत, लेकिन ये जमीन हमारी है, इसका सबूत ऊपर वाला है। आपको कुछ नहीं होगा सर, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर संभाल के सर, आइए आराम से सर। सर आपको कुछ नहीं होगा सर, सर जल्दी ठीक हो जाएंगे सर। चलो अरे साहब ये क्या हो गया सर? हट साले, सुनना मत मुझे, हाथ भी मत लगाना, जल्दी हॉस्पिटल चलो। यहीं बैठ जाइए, ठीक से पकड़ो साहब को। यहीं रुको साहब, आपको कुछ नहीं होगा साहब। साहब आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मुझे नीचे उतारो। क्या हो गया साहब? सर कुछ नहीं होगा आपको। प्रसन्ना जी सर, दर्द थोड़ा कम महसूस हो रहा है। लगता है ये होम्बा की जड़ी बूटी का ही असर है सर। मैं तो उसकी जान लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने तो मुझे दूसरी जिंदगी दे दी। साहब देखिए साहब, होम्बा बहुत अच्छा इंसान है साहब, हमें छोड़ दीजिए साहब, मैं विनती करता हूँ आपसे, हम सबको छोड़ दीजिए साहब। सर लेकिन हमें फिर भी एक बार हॉस्पिटल तो जाना ही होगा। वो देखो वो फिर से आ गया। फिर से आ गया तू हरामी, अब भैया को हाथ लगाया ना। तुंगमा रुको, साहब को सब पता चल गया है। साहब अब आपकी तबीयत कैसी है साहब? आज तुमने मेरी जान बचाई है होम्बा। डॉक्टर ने कहा अगर सही वक्त पर जड़ी बूटियां ना लगाई होती तो मेरी जान भी जा सकती थी। अगर आज मैं जिंदा हूँ होम्बा तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आपकी जान मैं थोड़ी बचा सकता हूँ साहब, इस जंगल ने दबा दी है। यह जो बगीचा है ना साहब, इसी जमीन में मेरी जान है। इसकी फसल की देख रेख करना और अपनी तुंगम्मा की शादी करवाना मेरा सपना है साहब, लेकिन आप लोग मेरे सपने को छीन कर मुझे जीते जी मार देना चाहते हो साहब। ऐसा नहीं है होम्बा, मुझे मार देना चाहते हो। ठीक है होम्बा, मैं चलता हूँ। साहब नहीं, इस हालत में आप कहीं भी नहीं जाओगे,
आज की रात आप यहीं पर रुकिए और कल सुबह जहां भी जाना चले जाना। राज जी सबकी रक्षा करेंगे, यहाँ पुलिस पुलिस कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकती। अगर उसे मुझसे मिलना है तो ऊटी माना आना पड़ेगा। हाँ। समझ गए ना? नरसैया भागो यहाँ से, भागो, बचाओ अपने आप को, जल्दी निकलो यहाँ से, उठो जल्दी। निशाना चूक गया, गोली नरसैया को लग गई। राजेश सर, मैसेज भेज दो कि नरसैया एकनाथ के साथ भाग गया है और नरसैया की बॉडी को जला दो। ओके सर। इस दुनिया में एक छोटी से छोटी चींटी से लेकर जंगल के बड़े से बड़े जानवर तक सबका एक वर्ग होता है। शेर शेर के साथ, सांप सांप के साथ, और सब जीवन भर ऐसे ही जीते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ऐसा नहीं करता, और ये सच मुझे होंगे बल में आके समझ आया। मैं चलता हूं हम्बा। अरे क्या हो गया? नरसैया एक नाथ के साथ भाग गया, तब से उसका कोई पता नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ क्या उसे? इस समय आप देख रहे हैं होंगे बैल प्रदेश की दूसरी जगह, और अब तक यहाँ कोई तनाव नहीं हुआ है। होम बन्ना की जमीन से लेकर यहाँ तक रहने वाले जो लोग हैं उन्हें यह जगह खाली करने का आदेश मिला है। दिन भर दिन यहाँ के लोगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लोग डर से जी रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैमरामैन सुजीत के साथ इंस्पेक्टर विक्रम गुप्ता, होंगे बैल। न्यूज़ बनाओगे, पब्लिक को दिखाओगे तुम लोग? तेरी तो जब जब अन्याय होता है तो उसके खिलाफ लड़ने वाले भी होते हैं। तुम मीडिया वाले हो, बिना सच जाने कोई भी न्यूज को तुम ब्रेकिंग न्यूज बना देते हो। सर, इन सबको इसी ने बुलाया है यहाँ पर। होमबन्ना की बहन के साथ इसका चक्कर चल रहा है, साले इश्कबाजी कर रहा है। नहीं, तुम इंसान होकर इंसानों पर नाइंसाफी कर रहे हो। ये जंग उस नाइंसाफी के खिलाफ है। इसके हाथ से कैमरा छीन लो और होमबन्ना के घर चलो। ए, लाइटर दे। ए! बन्ना तुम गंबा बाहर आ जाओ। साहब साहब क्या? इश्कबाजी पहली नजर में प्यार, जिंदा रहेगी तब प्यार करेगी ना। अरे साहब, नहीं साहब, तुम्हें अपनी बहन जिंदा चाहिए या नहीं? आपके पैर पड़ता है। नहीं साहब, छोड़ दूंगा, पर इसके सिर से प्यार का भूत उतार, वरना याद रखना तेरी मौत पर कोई रोने वाला नहीं होगा, कुत्ते की मौत मरेगा। छोड़ दो साहब, नहीं नहीं। बहुत जवानी चढ़ी है, इन्हें ले चलो। यस सर। मिस्टर गुप्ता, एनी प्रोग्रेस? सिचुएशन बहुत डेंजर है सर, कोई सरेंडर करने को तैयार ही नहीं, लगता है सबका एनकाउंटर करना पड़ेगा। यहाँ सारे के सारे गुंडे लोग हैं। देखो चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर गुप्ता, ऑपरेशन कंप्लीट करो, ठीक है? श्योर सर, ऑपरेशन कंप्लीट होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। जय हिंद। प्रशांत सर, मुझे खबर मिली है कि कल हलसिन डे में सब मिल रहे हैं, लगता है होंगे बैल के तनाव से इसका कोई तो कनेक्शन है। रास्ते में जितने आए ना, हम सबको मारते चले जाएंगे। सर, वहां पर मासूम लोग भी तो होंगे। प्रशांत, तुम पुलिस वाले हो, उसके जैसे पागल नहीं हो, गाड़ी में बैठो।
ए, चल रे। क्रांति, आजादी की जंग ले, अब तू जिंदगी से आजाद हो जा। लोग क्या करें वहाँ पर? अब तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ? मुझसे ये काम नहीं होगा सर। तो फिर काम छोड़कर घर में बैठ जाओ। मैं ऑलरेडी अपना इस्तीफा दे चुका हूँ सर। What? Yes, जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, इंसान भी रहते हैं। ये राजा। हाँ राजा। अरे वो साहब फिर से आए हैं। अरे साहेब, आइए आइए बैठिए। तुंगा माँ, साहेब आए हैं, पनिया लिया? कुछ नहीं चाहिए। हम्बा, हमारे डिपार्टमेंट वाले कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं है। मैं भी ये काम रोक नहीं पा रहा हूं, इसीलिए लीजिए सर। डरो मत, ये जमीन के कागजात नहीं है, ये मेरा इस्तीफा है। अरे साहब ऐसा क्यों? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, चलता हूं। नहीं साहब, रुक जाइए, हमारी वजह से आप इतनी तकलीफ क्यों उठाएं? मैं माफ कर दीजिए। हमारे अधिकार बहुत ही सीमित है हम्बा। अगर हम चुप बैठेंगे तो वो हमें जीने नहीं देंगे। हमें कुछ करना ही होगा। मैं सबको मार दूंगा, मैं नवक्रांति संगठन ज्वाइन करूंगा। ए, तू पागल जैसी बात मत कर, वो ऑफिसर हमें मार देगा। कितने दिन हम डर डर के जिएंगे? हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे धनु, प्लीज तुमसे नहीं होता तो मेरे पीछे मत आओ। धनु बात तो सुनो। सर 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 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या बात है, क्या हुआ? मैं आपके संगठन से जुड़ना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? नवक्रांति से क्यों जुड़ना चाहते हो? इन मासूमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बदला लेने के लिए या फिर नाइंसाफी के खिलाफ कोई जंग? आओ मूर्थना से मिलवाता हूं। मूर्थना नहीं सर, एक बार नरेंद्र जी से मिलवाइए सर। हथियार पकड़ना चाहते हो? तुम एक को मारोगे, वो लोग आके पूरे गांव को मारेंगे, जानते हो ना? जंगल को जंगल ही रहने दो, शमशान में मत बदलो, हथियार पकड़ना चाहते। सर 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 प्लीज सर प्लीज सर एक बार लो ये सर, एक बार लो ये सर, उनसे हटो, रास्ते से हटो। सर सर प्लीज एक बार सर, क्रांति करने से मिलवा दीजिए सर। सच्चाई का कुछ पता नहीं, चले क्रांति करने, बीच में से हटो, हटो और मेरे पीछे मत आना।
मुझे इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है। आप साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? नमस्ते। नमस्ते, अभी आया। जो पत्रकार साहब, यहाँ कैसे पधारे? इसका नाम धनु है। नमस्ते। इसे नवक्रांति पर बहुत भरोसा है और ये आपके साथ जुड़ना चाहता है। शाबाश, तुम्हारे जैसे नौजवान ही तो चाहिए, हमारे साथ रहना। ठीक है सर, लेकिन गुप्ता आपका एनकाउंटर करने का इंतजार कर रहा है, सावधान रहिएगा। आने दो पत्रकार साहब, उसके हाथ पैर तोड़कर जेड़ी गड्ढे के द्वार का तोरण बना दूंगा। नवक्रांति, नवक्रांति। तुंगमा, तुंगमा, फिर आ गए हरामजादे, पता नहीं क्या चाहते हमसे। और कब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से, निकलो। सिर्फ एक बार तुंगमा से मिल लो, उसके बाद चला जाऊंगा, सिर्फ एक बार। अरे तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमें माफ करो, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। होमना प्लीज, तू अंदर जा। होमना सुनो तो। अरे देख क्या रही है? फिक्र मत कर, कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए, क्या पागल हो गया क्या तुम लोग? उस गौड़ा से पंगा लेके तुम जी पाओगे क्या? क्या है बे, अब तक जी नहीं रहे हैं क्या? चल निकल, उस गौड़ा के तलवे चाट चाट के मर जा। अरे देखते हैं कौन मरेगा, क्या कहता है टिम्मा? देखते हैं। सुनो भाइयों, कल गौड़ा जी के घर में चुनाव के बारे में बैठक होने वाली है। वैसे तुम काम पे तो आते नहीं हो, कम से कम बैठक में तो आ जाना। अगर तुम लोग नहीं आए तो तुम्हारा ही नुकसान है। हाँ चल निकल। हुम्बा, हम लोग भी चले क्या? हाँ चलना हुम्बा। जिला अधिकारी होने के नाते कह रहा हूँ, हाईकोर्ट का आदेश आया है, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। नवक्रांति को अपनी जंग बंद करनी ही होगी, नहीं तो सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। अगर आप में से किसी को कुछ कहना है तो अभी कह सकते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम, मेरे निवेदन पर आप लोग आए इसके लिए आभार। मैं आप लोगों की अच्छाई चाहता हूँ, इन सरकारी योजनाओं की वजह से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। अब चुनाव आ गया है, आप मुझे जीत हासिल करा दीजिए, आप सबका साथ मैं ही निभाऊंगा। ये बात तो आप भी जानते हैं, मेरे अलावा आपकी भलाई कोई नहीं कर सकता। और जब सुपारी के बगीचे में बीमारी आई थी तब नुकसान की भरपाई मैंने की थी। जंग हो गई थी लोगों के बीच में, भरोसा तो बहुत दिलाया था आपने, पर भरपाई तो मिली नहीं, मुट्ठी भर की भी नहीं। उतना बात समझिए, आप बुजुर्ग हैं, ये खाली कराना मेरे हाथ में नहीं है, हाईकोर्ट के हाथ में है। और वो क्या आदेश है? कोई भी कानून लोगों के हित में होना चाहिए, तभी उसका पालन हो सकता है, वरना कोई पालन नहीं करेगा। एक बात ध्यान से सुनो, आज से लगभग 50 साल पहले वन प्रदेश कितना था? 30% होगा, ज्यादा से ज्यादा। और वहां आबादी कितनी थी? वक्त के साथ साथ आबादी भी बढ़ गई, छोटे परिवार बड़े हो गए और उनकी रोजी रोटी के लिए आसपास की जमीन पर निर्भर रहने लगे। और याद रखना, ये सब जानबूझकर नहीं हुआ, उसकी जरूरत पड़ी थी, और जरूरत हो तो कानून बदलना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं होता। ये गुनाह है क्या? और ये बताओ कि कानून इसके बारे में क्या कहता है? 400 एकड़ जमीन पर कब्जा करने वाले के लिए भी ये कानून, और 4 एकड़ जमीन कब्जा करने वाले के लिए भी यही कानून। ये कानून है कि कोई मजाक है? बहस इस पर होनी चाहिए। हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। कितना वक्त जनाब? इस बात को तो आप कितने सालों से दोहरा रहे हैं। यहाँ के मूल निवासियों की समस्या है ये। सुनिए आप लोग, यहाँ ये इस तरफ आइए, देखिए यही है स्थानीय लोग। यहाँ के 30 मूल निवासी परिवार वालों में से सिर्फ 10 परिवारों को नुकसान भरपाई दिलवाई है ना आपने, वो भी कहाँ पहाड़ पे? वहाँ खेती करेंगे वो, या पहाड़ को फोड़ेंगे या पत्थरों से अपना सिर फोड़ेंगे? अच्छा उन्हें छोड़िए, बाकी परिवारों का क्या? रहने के लिए घर, रोजी रोटी, इस सब का क्या होगा? जंग लड़ेंगे? आज इनकी हालत के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। पहले तो इन सब का क्या करेंगे ये बताइए। क्यों मूर्थना? क्यों डेविड साहब, इनको भड़का रहे हैं आप?
ये सभी लोग हमारे पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमारा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा आपने? घोषणा पत्र में लिखा कुछ है, होगा कुछ और। आपकी खुद की पार्टी है, अकेले ही फैसला करने वाले आप हैं और अपने ही तरीके से पार्टी को चलाते हैं, है कि नहीं? तो बताइए कैसे होगी तरक्की और कैसा घोषणा पत्र है वो? एसी रूम में बैठ के आपस में ही गप्पे मार के घोषणा पत्र बना लेते हैं आप लोग, उसे घोषणा पत्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो ये मूल निवासी हैं, उनके क्षेत्र में जाके उनकी समस्याओं को सुनिए और उनका हल ढूंढ कर फिर आप लोग घोषणा पत्र बनाइए ना। ये कोई राजकीय क्लास नहीं है। आप चुनाव में मेरा साथ दीजिए, चुनाव के बाद मैं आपका काम जरूर करवा दूंगा। घूम फिर के फिर वही पुरानी। पहले कानून पर विचार विमर्श होना चाहिए, बाद में लोकतंत्र की बातें कीजिए और चुनाव करवाइए। क्यों, मैंने ठीक कहा? बिल्कुल ठीक कहा। यही है आपका आखिरी फैसला? हाँ, फल देने वाली जमीन से बाहर निकाल देते हैं, फिर वहाँ फैक्ट्री लगवाते हैं। अगर अकाल पड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे? लोगों को चैन से जीने दीजिए। सबको छीन लो, ये जान भी क्यों छोड़ी है, इसको भी छीन लो। ए, नीचे बैठ। बोला ना नीचे बैठ। एक मिनट रुकिए, आप लोग बैठ जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। आपका जवाब क्या है गौड़ा जी? इस गांव का गौड़ा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी जमीन आपके हाथ से निकल गई तो क्या हुआ? आप लोग मेरी जमीन पर आकर काम करो, बस मैं यही मदद कर सकता हूँ। ये लीजिए, मैंने कहा था ना मूर्खना, इस बैठक से कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं चलता हूँ। एक मिनट बैठो। एक बात बताइए, ये सोपतीना बेटा और गोमाला प्रदेश को रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दे दिया कि नहीं आप लोगों ने? वो कैसे किया बताइए? कानून को बदल सकते हो पर असली बदलाव कब आएगा? रुकिए मूर्खना, ये गोमाला और सोपतीना बेटा है ना, एक तरफ तो उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, दूसरी तरफ उसे संरक्षित जंगल कहलाकर खाली करवा देते हैं। इस भेदभाव का क्या मतलब है कानूनन? बताइए क्या जवाब है आपके पास? बताइए। बोलिए, चुप क्यों हैं? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास, तो क्रांति होकर रहेगी। चलो उठो साहब। चला चला उठो। अब अगर क्रांति छिड़े या जंग, जो होगा देखा जाएगा। मुझे नशा करना है होम्बा। ये नशा कर करके ही मर जाना तुम लोग कहाँ चल दिए? गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तरफ पुलिस वाले, दूसरी तरफ फॉरेस्ट वाले, हम तो तंग आ गए हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। नहीं रह सकते, जाओ ना यहाँ से। जा रहे हैं, क्या करें पता नहीं। मूर्थन्ना है ना हमारे साथ, मूर्थन्ना जरूर कुछ करेंगे। अरे तुम जाओ ना, हमें परेशान मत करो, शांति से रहो, हमें नहीं पड़ना है। गौड़ा भी हमारा साथ नहीं दे रहा, नरसैया का भी कुछ पता नहीं है, अब ये लोग भी जा रहे हैं, अब हमारा साथ कौन देगा? ऐसी परिस्थिति में भी पूजा करानी है क्या? ये भी कोई सवाल है क्या? ये परंपरा हमारे दादा परदादा के समय से चली आ रही है, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जाने दो, सबको चले जाने दो। गौड़ा जी, उस होम्बा की हिम्मत देखी आपने? देखी, उसका तो वो हाल करूंगा मैं। गौड़ा जी, ये हिबेटे पहाड़ी के गांव का क्या करे? ये हूटी माने भूतराज का बदला खून देखने तक नहीं छोड़ेगा, वो हरामजादे कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब? मतलब ये हिबेटा पहाड़ी की कहानी हमारे अलावा सिर्फ होम्बा को मालूम है, उनको खत्म कर देंगे। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? पकड़ो उसको जल्दी, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। क्या कर रहे हैं? चल, छोड़ो मुझे। रानी, तू है क्या? सबको छुन लिया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मालूम नहीं और मालूम होगा भी नहीं, तू बताएगा भी नहीं।
रुको, साहब आ रहे हैं, पीछे हटो। चलो चलो, रोना बंद करो, पीछे हो जाओ। बड़े साहब आ रहे हैं, हट जाओ यहाँ से। चलो हटो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो पीछे चलो, उठ जाओ उठ जाओ, उठ जाओ साहब आ रहे हैं। चलो उठो, जल्दी उठो उठो। इसे आखिरी बार कब और कहां देखा? अरे कल दोपहर को ही तो देखा था साहब। कुछ बताया था क्या, किससे मिलने जा रहा है, कहां जा रहा है? कल दोपहर में घर से बाहर निकला था, बेचारे के साथ क्या हो गया? राजेश सर, क्या लगता है क्या हुआ होगा? सर लगता है ये हुटी माने भूतराज का काम है। कुछ भी, भूतराज ये कर सकता है? तू भी अंधविश्वास में मानता है? नहीं सर, जो भी है बेटा पहाड़ी में कदम रखता है वो उसे छोड़ता नहीं है, ये भूतराज का ही काम है। अच्छा, पहले अपनी ड्यूटी करो, इसकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर। कल सुबह चाहिए। ओके सर। आकाश भूमि प्रेत पिशाच चाड़ी, 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 आकाश भूमि प्रेत पिशाच। यस सर। यहाँ मीडिया वाले दिमाग खराब कर रहे हैं, होंगे बैल न्यूज उनके लिए दावत बन गई है। सर यहाँ होंगे बैल के लोग पूरी तरह से पागल हैं, कुछ मानते ही नहीं। मिस्टर गुप्ता, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही पुलिस का काम है, समझ गए? मुझे रिजल्ट चाहिए। श्योर सर, जय हिंद। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो भी उन नव क्रांति हरामजादों के साथ जुड़ने के बाद मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, आप कोई भी कार्रवाई करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया। तो क्या फैसला किया आपने? क्या लगता है आपको, आपके नुकसान की भरपाई ये लोग कर पाएंगे? अरे सरकारी काम जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। अगर मान लो मैं जीत गया तो थोड़ी बहुत भरपाई करवा सकता हूँ। हाँ सर, लेकिन ये लोग तो। सुनो, नवक्रांति और उनके फॉलोअर्स को आप संभालिए, भरपाई मैं दिलवा दूंगा। एक बात समझ लो, इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह नवक्रांति और उनके फॉलोअर्स को जड़ से खत्म कर देना है। किसी भी प्रदेश में इंसान से ज्यादा जानवरों की आबादी हो जाए तो उसे जंगल कहते हैं या शहर कहते हैं? मुश्किल से 60 लोग मिलेंगे तुम्हें यहाँ। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जंग की लड़ाई का बीज तुमने ही यहाँ बोया था। मुझे तो परमिशन मिली है कि इस जंग को मैं बंद कराऊं, और अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे मार दूंगा। कितने लोगों को बचाओगे? जितने पैदा होंगे उतनों को मारता रहूंगा। एक ना एक दिन सारे खत्म हो जाएंगे। आप जिस तरह काम कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं और लोकतंत्र को भी। कानून की रक्षा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है, और तेरे लिए भी मैंने एक गोली तैयार रखी है। या तो गांव वालों को बचा या खुद की जान बचा, फैसला तुम्हें लेना है, सोच कर लेना, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। ये सब कुएं के मेढक थे, फिर आए मेढक को मारने वाले सांप, और सांप को मार के खाने वाले नेवले। होंगे बैल में आ गया नेवलों का झुंड। बस अब तो जिंदगी के लिए जंग जरूरी थी। अब हम क्या करें, सब कुछ बर्बाद हो गया, सारे एविडेंस भी गए। एविडेंस चाहिए? सो रुकिए रुकिए, वहीं रुकिए। क्या न्यूज चाहिए आपको? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने जेसी को अरेस्ट किया है? नवक्रांति के लोगों का एनकाउंटर होगा क्या? आपका आगे का फैसला क्या होगा? देखिए शांत हो जाइए पहले। जेसी का और नवक्रांति संगठन का दूर दूर तक आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने खुद अपने हाथों से लिख कर दिया है कि ये अपने आप को समाज की मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं, बस उसी की फॉर्मेलिटीज चल रही है। सर हम जेसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं।
ठीक है, ले लो। इसके बारे में जांच की गई है, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। आप किसानों के नाम पर झूठे अधिकार स्वीकार कैसे कर सकते हैं? उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपको अपने कामों पर शर्म आनी चाहिए। आपके शासन में क्या हुआ था? इससे भी बदतर हालत थी आपकी सत्ता में। लेकिन होंगे बैल के लोगों पर एनकाउंटर, ये बहुत नाइंसाफी की बात है। आपको अपनी सरकार पर शर्म आनी चाहिए। होंगे बैल के लोगों को वहां से खाली नहीं करवाना चाहिए। देखो, नवक्रांति के संगठन में मेरा नाम ही नहीं है, तो फिर मेरा एनकाउंटर कैसे हो सकता है? ये सब क्या होता है हम नहीं जानते, बस अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं, बाकी ऊपर वाला जानता है। हम लोग इसी जमीन पे रहेंगे। सर, इस दृश्य को देखते ही क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मासूमों पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, अब तक जो अन्याय हो रहा था हमारी जंग उसके खिलाफ थी, और अब ये जंग रुकेगी नहीं। देखिए, कानून सबके लिए एक ही है, और कानून में संशोधन या बदलाव लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर ये सब कैसे हो सकता है सर? एक बात बताइए, जब नया कानून बन सकता है तो फिर हम पुराने कानून में बदलाव क्यों नहीं ला सकते हैं सर? इसी बात की तो ये मांग कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये जंग इसका एकमात्र उपाय है। देखिए, हम सिर्फ कानून के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के मासूम लोगों की जिंदगी और उनकी रक्षा की हम कोई बात नहीं कर रहे। सिर्फ उन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है तो इस बहाने उनसे जमीन खाली करवाना कहाँ का न्याय है? अनेक पीढ़ियों से खेती करने वालों को उनका हक सरकार से नहीं मिल रहा है, और ये निवेदन हम सरकार से करते आ रहे हैं। इस मामले में सरकार ने हमसे 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया था और कहा था कि हम उस पर खेती कर सकते हैं। इस मामले में हमने कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया था तो कोर्ट ने फैसला दिया था कि 3 एकड़ जमीन में खेती करने वाले किसानों को जमीन खाली करवाने का आदेश एक कानूनन अपराध है, और ये हाई कोर्ट का फैसला। सर, क्या इस कानून में कोई बदलाव आ सकता है? अगर आएगा तो वो बदलाव कैसा होगा? क्या लोगों को इसकी कोई भरपाई मिलेगी? देखिए मैडम, आज तक हमारे संविधान में लोगों के हित के लिए कई बार बदलाव किए गए हैं, पर आप किसानों के हित में एक छोटे से कानून में बदलाव लाने में इतनी क्या दिक्कत है? मुझे लगता है हमारे नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है। वो चाहते ही नहीं है कि किसानों के हित में ये कानून लाया जाए। खेती, ये हमारे देश का एक अहम हिस्सा है, और मैं उसके लिए ये जंग लड़ता रहूंगा। तो ये थी JCG की राय। होंगे बैल के किसानों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ बैंगलोर में एक महाप्रदर्शन जारी है, और वहाँ के वासियों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये हमारा घर है, हमारी जमीन है, हम कहीं नहीं जाने वाले। यही हमारा घर है, हमारी जमीन यही है। क्या है कि किसानों के विरुद्ध जो अत्याचार चल रहा है उसे तुरंत रोकने के आदेश दिए गए हैं। कैमरामैन प्रसाद के साथ जीतू दसाडिया, कल तक बैंगलोर। जो संदेश तूने लिख कर दिया है, अगर तू उसे बदला तो सब कुछ खत्म। ए! साले हरामजादों, एक इश्क में पागल, दूसरे दो न्यूज के पीछे पागल, साला तुम लोग एक दिन मुझे पागल कर दोगे। सर प्लीज, हमारी हालत को समझिए सर। मन कर रहा है तुम तीनों को गोली मार दूं। नागेश भैया, वो भूतराज कुछ करेगा तो नहीं ना? अगर गौड़ा जी को पता चल गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे चुप कर, कुछ नहीं होने वाला, बस वो फल एक बार हमारे हाथ लग जाए। गौड़ा जी के आंगन में जैसे कच्ची सुपारी फैली है ना, वैसे हमारे घर में भी पैसे फैले हुए दिखेंगे। हम कोई फैसला ले उससे पहले तुम तीनों एक फैसला ले लो। बहुत अक्लमंद इंसान भी कहीं ना कहीं बेवकूफी करता है, कोई भी 100% बुद्धिमान नहीं होता। तुम तीनों भी वैसे ही हो। अभी तो मैंने सिर्फ घायल किया, लेकिन इस मिट्टी से गायब हो जाने की नौबत ना आ जाए, इसलिए इस घाव को ठीक कर लो। चलो जल्दी करो, हमें यहां से निकलना है। हाँ। Hey!
इसी के साथ नव क्रांति का अंत। हाथी को चारों तरफ से घेर कर मारने वाला बहादुर नहीं होता, कायर होता है। सिर्फ इस एक नरेंद्र को मारने से इंसाफ के लिए हमारी ये जंग हरगिज खत्म नहीं होने वाली। नव क्रांति। प्रशांत, मैंने तुमसे कहा था ना, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो जरूर बेवकूफी करते हैं, और ऐसे बुद्धिमानों का भेजा उड़ा देना चाहिए। एक तरफ कोडावनाडु, दूसरी तरफ तुलुनाडु, हर तरफ इसी तरह जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन मालेनाडु वाले लोगों ने कभी उसकी मांग नहीं की है, और आगे भी ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार रह गया, चुनाव का बहिष्कार करना। ए, 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 रुक जा। क्या हुआ तुझे? अधिकार हाथ में, कुछ भी करोगे क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। है कौन बे? नहीं, पापी कहीं के, इसे भी मार दिया। मुर्तन्ना, तू भी बहुत जी लिया रे। जब तक भूख है खाना है और सेना है तो युद्ध भी, ये जंग जारी रहेगी। जो हालत इसकी हुई है वही तुम लोगों की होगी। एक एक को, एक एक को गोली मार दूंगा। अब भी किसी के दिल में क्रांति की आग जल रही है, आ जाओ, उसे भी बुझा दूंगा। हम कोई फैसला ले उससे पहले तुम तीनों एक फैसला ले लो। मैंने फैसला कर लिया है। धनु, हमने भी फैसला कर लिया। रियली सैड सर, आप एक लॉयर होने के नाते उसे रोक सकते थे ना, लेकिन हाँ, मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन कानून शास्त्र में मैं सिर्फ शाब्दिक और मूक साहित्यिकता का प्रतिनिधि हूँ।
प्रदर्शन किया, चिल्लाया, कानून में बदलाव लाने के लिए लड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे मामलों में कानून में बदलाव तो आने चाहिए ना, लेकिन करने वाला है कौन? मेरी वो ख्वाहिश अधूरी रह गई, इसीलिए कह रहा था मैं। होंगे बेल तो डूबता हुआ सूरज है, संघर्ष व्यर्थ है। इस अंधे और अपाहिज कानून की वजह से होंगे बेल कैसे डूब गया जानना चाहती हो ना? अरे हमें छोड़ के कहाँ चले गए यार? सभी को छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या करें? ये लोग हमारी हालत समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? खाना पीना जीना सब इस धरती के क्या चल रहा है? तुम लोगों ने अभी तक जगह खाली क्यों नहीं की? अगर जिंदा रहना है तो निकलो यहाँ से। ये क्या कर रहा है? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ऑफिसर्स, आप लोगों में जितना समय लगा लीजिए, अपनी जान दे देंगे लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे। ए, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। निकलो सब, जाओ। ए, जा रहा है कि नहीं? जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे। चलो बड़ा लेकिन होंगे बैल के लोग आखिर कहाँ गए सर? होंगे बैल की कहानी यहीं पे एंड होती है क्या? सर 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 सर, ये देखिए। मैंने तो सोचा था साला जंगल साफ हो गया है, तो फिर ये नोटिस रखने वाला कौन पैदा हो गया? रोज का थकाने वाला सफर उनकी जिंदगी बन गया। इसका मतलब होंगे बैल अब खाली हो गया। अफसोस, यही सच है। थैंक यू सर, होंगे बैल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। यूर वेलकम। जब भी मौका मिले होंगे बैल विजिट करते रहना। उम्मीद करता हूँ फिर आओगी। फिर से आऊंगी सर, इस कहानी को एंड मैं करूंगी। ये सच है, होंगे बैल एक डूबा हुआ सूरज है, लेकिन सूरज अगली सुबह उगता है और अपनी रोशनी चारों ओर बिखेरता है। होंगे बैल को डुबा दिया कानून के दुष्प्रयोग ने, लेकिन ये इंसानियत की हार थी। यहाँ क्या बदलना था और क्या बदल गया? फर्ज को भूलकर रहमी से पेश आना था क्या? विक्रांत गुप्ता को बदलना था क्या? जंग छोड़कर जो मिला उससे तसल्ली लेनी थी क्या नवक्रांति संगठन को? कानून के नियम को बदलना होगा क्या, या फिर जो लिखा था उसे बदलना था क्या? आचरण, रीति, रिवाज बदलना था क्या?
हर एक फैसले के लिए सवाल ही जवाब बन गया है, लेकिन यहाँ बदलाव के लिए जो जवाब मिला है वो शायद थोड़े ही समय के लिए है। अब सिर्फ एक ही बदलाव होना है, वो है प्रणाली। हमारी ही प्रस्तुति है ये प्रणाली। हर एक की जिंदगी में एक सपना होता है जिसका अपना रंग होता है। हर कोई उम्मीद की तलाश में व्यस्त होता है। मैं भी तलाश रही हूँ होम बना के अस्तित्व को। बेटा बेटा,